गोवा में आए और बीच पे ना आए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे हमारे जो पहले डेस्टिनेशन पे आए हैं उसका नाम है वेगेटर बीच रॉक, और यहाँ से जो है वो पूरा वेगेटर बीच जो है वो दिखेगा, किस तरीके से पूरा दिख रहा है, मतलब मेरे को वाइब तो एकदम अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन लेट जस्ट गो एंड बहुत ही अच्छे से बीच का नज़ारा देखते हैं। तो ये है पूरा वेगेटर बीच रॉक का नज़ारा, उस साइड पे बीच है जो वेगेटर बीच है, और हम अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये जो पूरा रॉक दिखेगा वो है वेगेटर बीच रॉक, और ये वहाँ का रास्ते का नज़ारा है। लेकिन देखो यार कितना मस्त है, मतलब लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतना मज़ेदार वाला मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, and we are you know like doing amazing here. cool cool breeze and like जबरदस्त माहौल है। सबसे अच्छी बात है कि बारिश नहीं हो रही है, अगर बारिश होती तो इतना मज़ा नहीं आता देखने का, लेकिन वो सबसे अच्छी बात है। और आप ये देखो पूरा बीच का नज़ारा, बीच उस साइड है वैसे, बट ये जो है वो उसको बोलते हैं बिग वेगेटर रॉक, और ये उसके नज़ारे के नज़दीक हम जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे आ गए हैं एक रॉकी बीच पे, ओके, जिसका नाम है अगुंडा रॉकी बीच, और ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है। लेट्स जस्ट गो एंड सी कि यहाँ पे किस तरीके का माहौल है। वैसे देखने जाए तो आप देख सकते हो बहुत सारी पब्लिक जो है वो आना शुरू हो गई है, लेकिन मोस्ट ऑफ गोवा की पब्लिक है क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। मेरे लिए बहुत लंबा दिन है, बहुत 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 घूमने का हमें, और एक सनसेट देखते देखते शाम को ख़त्म करना है, ऐसा वाला प्लान है पूरा। सो लेट्स जस्ट सी, ये आप देख रहे हो अगुंडा फोर्ट, ताज का होटल है यहाँ पे। So now we are stepping into the lower Port Agunda, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं बीच को। So ये जो है वो पूरा लोअर फोर्ट अगुंडा का है, और आगे जाके अपने को मिलने वाला है रॉकी बीच। देख रहे हो वो ताज होटल है, और ताज होटल के एकदम बाजू में ये लोअर अगुंडा फोर्ट है, देख सकते हो आप जो पैनोरामिक व्यू है आप देख सकते हो।
से हम पूरा बीच को देख सकते हैं। ओके सो हम आ गए हैं सेंक्वेरिन बीच के लोअर अगुंडा फोर्ट पे और यहाँ से आपको पूरा 360 व्यू दिख सकता है, पूरा ड्रोन शॉट। Moments later. So, ये अभी हम आ गए हैं होटल पे और टू टेक सम रेस्ट एंड लाइक दैट, क्योंकि अभी रात को जो है वो हम जल्दी निकलें। तो लेट्स टू सी व्हाट हैपन। ये वाला है अभी हम निकल जाएंगे। अपन इज ऑन द कॉल। अब ये है होटल हमारा आज का, ठीक ठाक है लेकिन अच्छा। सो आई थिंक कोई इशू नहीं आना चाहिए। वी हैव वॉशरूम एंड एवरीथिंग। सो